नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल खुशहाल होम गार्डनिंग में। आज जिस प्लांट के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है ये प्लांट दोस्तों, जो है मोगरा का, जिसको हम अरेबियन जैस्मिन के नाम से भी जानते हैं। कई जगह इसको बेला भी बोला जाता है। सो हम आज इसके बारे में बात करने वाले हैं कि हमें इसको जो पॉट साइज़ देना चाहिए वो क्या साइज़ होना चाहिए पॉट का, किस तरीके की इसकी सॉइल होनी चाहिए, इसको हमें सनलाइट कितना देना है, इसका न्यूट्रिशन, इसके प्लांट में जो डिजीज़ हैं, इस प्लांट का क्या रेट होगा मार्केट में, ये सब हम आज डिस्कस करने वाले हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, कहने के लिए ये भी कहा जाता है कि हमें इसको प्लास्टिक पॉट में नहीं लगाना चाहिए। इसीलिए मैंने इस बार एक्सपेरिमेंट करके देखा था, प्लास्टिक पॉट में इसको लगा के देखा था। और देखिए फ्रेंड्स, प्लास्टिक पॉट में मेरा ये प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो हुआ है। सो आप जो पॉट साइज़ लीजिए, ये मेरा जो है ये 12 इंच का पॉट साइज़ है, तो आप 12 इंच के पॉट साइज़ में इसको कर सकते हैं। सबसे प्रेफरेबली साइज़ जो होता है वो 12 इंचेस का ही होता है, तो 12 इंच का पॉट आप लीजिए और उसमें आप इसको ग्रो कीजिए, बहुत अच्छे से ग्रो होगा। और आप चाहें तो इससे बड़ा साइज़ भी ले सकते हैं, बट जो बेस्ट सूटेबल होता है वो 12 इंचेस का होता है फ्रेंड्स। जब हम इस प्लांट के लिए सॉइल तैयार करेंगे दोस्तों, तो जो हम सॉइल मिक्स लेंगे वो हम लेंगे 40% का सॉइल, गार्डन सॉइल, और आप 40% उसमें गाय के गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट, केचुआ खाद, या जो भी आपके पास खाद अवेलेबल हो आप वो यूज़ कर सकते हैं। और जो 20% है फ्रेंड्स, वो आप चाहें तो कोकोपीट या सैंड यूज़ कर लीजिए। इसके सॉइल को नमी की ज़रूरत होती है, तो वो सबसे सही रहेगा इसके जो सॉइल मिक्स को तैयार करने के लिए। बात करें इसमें हमें पानी कितना देना है फ्रेंड्स, तो इसमें जो पानी हमें देना है वो हमें इसके सॉइल के सूखने पे देना है। जब तक इसके सॉइल में नमी है हमें इसमें पानी नहीं देना है। देखिए, जब मैं इसको कुरेद के देखूंगी, देखिए इसमें आप देख पा रहे होंगे इसके अंदर अभी नमी है, तो हम इसको चाहे तो आज इवनिंग में इसको जब सनसेट हो जाएगा उसके बाद इसमें हम थोड़ा सा पानी दे सकते हैं। अदरवाइज़ इसमें ज़्यादा पानी हमें नहीं देना है, पानी रुकेगा तो इसकी जो रूट्स हैं वो डैमेज होगी और हमारा प्लांट जो है वो ख़राब हो जाएगा। तो पानी हमें उतना ही देना है जिससे कि इसमें पानी रुके ना, आराम से निकल जाए और सॉइल में नमी भी बनी रहे। बात करें फ्रेंड्स, हमें इसमें कितना जो न्यूट्रिशन हमें है वो किस हिसाब से देना चाहिए, तो देखिए सबसे पहले जो आपको करना है न्यूट्रिशन देने से पहले, वो आपको इस तरीके से इसके सॉइल की अच्छे से गुड़ाई कर लेनी है, बहुत अच्छे से गुड़ाई करनी है दोस्तों। जितना अच्छा आप इसकी गुड़ाई करके इसको न्यूट्रिशन देंगे उतना इसके लिए अच्छा रहता है। इस तरीके से आप गुड़ाई कर लीजिए और आप किसी दूसरे कंटेनर में गाय के गोबर की खाद लेंगे। गाय के गोबर की खाद इसके लिए बेस्ट रहता है, बिकॉज इसको हाई नाइट्रोजन चाहिए होता है। जो गाय के गोबर का जो खाद होता है, अच्छे से सड़ा हुआ खाद, वो उसमें सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशन होता है ये नाइट्रोजन, तो वो इसके लिए सबसे अच्छा रहेगा। तो इस तरीके से आप गाय के गोबर की खाद को अच्छे से मिक्स कर लीजिए, और अच्छे से वो मिक्स करने के बाद आपका जो ऊपर का इसका टॉप लेयर है वो आप निकाल लीजिए। वो आप अपने इस तरीके से खाद में मिक्स कर लीजिए, ऊपर का एक टॉप लेयर आप निकाल लेंगे वो बहुत अच्छा रहता है इसके लिए। और जितनी देर आप करेंगे इसके रूट्स को भी थोड़ी हवा लग जाएगी, तो इसका जो रूट है वो भी हेल्दी हो जाएगा। इस तरीके से ऊपर का आप एक लेयर जो पूरा अच्छे से निकाल लीजिए और अपने गाय के गोबर की खाद के साथ अच्छे से, बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, ये बहुत अच्छा तरीका होता है इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का। आपका प्लांट हेल्दी रहेगा और क्योंकि इसमें नाइट्रोजन बहुत हाई है, तो आपका जो जो इसके फ्लावर्स हैं वो बहुत हेल्दी आएंगे। और इसमें जो आपको थोड़ा सा ऐड करना है वो आप 2 ग्राम जो आप है DAP डाल लीजिए, 8 से 10 दाने, 2 ग्राम आप अपने प्लांट साइज़ के अकॉर्डिंग या आप अपने पॉट साइज़ के अकॉर्डिंग इसको अच्छे से इसमें मिक्स करके और इस तरीके से इसको लेकर के आप इसको इसके जड़ों के आसपास कर दीजिए। इससे बहुत जल्दी इसको न्यूट्रिशन मिलता है और प्लांट आपका बहुत हेल्दी रहता है। तो इस तरीके से ऊपर का एक लेयर हटा करके उसको गाय के गोबर की खाद और आप अपना DAP के साथ मिक्स करके इसमें अगर आप दे देंगे न्यूट्रिशन, तो ये प्लांट के लिए बहुत हेल्दी रहेगा। और आप ये ऐसा हम महीने में एक बार कर सकते हैं। और अभी जो है ये इसके फ्लावरिंग का टाइम है, तो इस टाइम पे करेंगे तो इसमें बहुत अच्छे फ्लावर्स आएंगे। अब जो कुछ चीज़ें दोस्तों आपको ध्यान रखनी है, वो ध्यान रखनी है, देखिए इसमें आप जो लीव्स देख पा रहे होंगे, जो लीव्स आपके डैमेज हो रखे हैं, उस लीव को आप अच्छे से टाइम टू टाइम इसकी प्रूनिंग करते रहिए। वो लीव्स आप हटा दीजिए, तो वो लीव्स इसमें रहेंगी तो वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगा। और अगर आप ये लीव्स हटा देंगे तो उसके नए शूट्स आएंगे और उससे अच्छी फ्लावरिंग होगी। ये देखिए इस तरीके से जो भी लीव आपको लगे कि ख़राब हो रही हैं आप उस लीव को अलग कर दीजिए, वो लीव आप हटा देंगे तो ही अच्छा रहेगा। या जो आपको लीव लगे कि ज़्यादा येलो हो रहा है आप उस लीव को हटा दीजिए,
तो ये प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। और जो दूसरा आपको इस पे ध्यान रखना है फ्रेंड्स, वो ये ध्यान रखना है कि आप इसकी जितनी ज़्यादा प्रूनिंग करते रहेंगे ये उतना अच्छे से ग्रो करेगा। सो इसके जो भी फ्लावर्स आते हैं वो नए स्टेम में आते हैं, जो भी प्रूनिंग होने के बाद जो नया स्टेम निकलेगा, जो नई ब्रांचेस निकलेंगी उस ब्रांचेस पे आएगा। तो आप इसको जितना ज़्यादा प्रूनिंग इसकी करते रहेंगे ब्रांचेस की, उतना अच्छा आपका हेल्दी रहेगा प्लांट और उतने ज़्यादा आपको फ्लावर देगा। देखिए ये भी, ये आप देख पा रहे हैं, देखिए ये नया इसका ब्रांच निकला है, उस ब्रांच में इसके बड्स आने स्टार्ट हुए हैं। तो आप इसको टाइम टू टाइम प्रून करते रहिए। ये देखिए ये यहाँ से इसको प्रून किया गया था, और प्रून होने के बाद यहाँ पे देखिए ये यहाँ से प्रूनिंग की गई थी इसकी, और ये प्रूनिंग के बाद इसका ये नया ब्रांच आगे निकला है और अब इसमें से निकलेगा। यहाँ देखिए यहाँ से ये प्रून किया था, ये मैंने यहाँ पे कटिंग करी थी इसकी, प्रूनिंग कर दी थी। तो जहाँ प्रूनिंग हम करेंगे उसके नीचे से ब्रांचेस निकलेंगी और उसी ब्रांच पे आपको फ्लावर देखने को मिलेगा। देखिए ये देखिए ये प्रूनिंग हो रखी है, यहाँ पे प्रूनिंग कर दी है, इसमें से दो ब्रांचेस निकले हैं, इस पे बड्स आ रखे हैं और इस पे अभी डेवलप हो रहे हैं। तो आपको जिस ब्रांच पे आपका फूल आ गया है और वो फूल गिर गया है तो आप उस ब्रांच की प्रूनिंग कर दीजिए, तो आपका प्लांट जो है वो बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। इस तरीके से आपको प्रूनिंग करनी है, और प्रूनिंग आप इस तरीके से करेंगे फ्रेंड्स कि आपका जो लीफ के थोड़े ऊपर से, लीफ के नीचे से नहीं करना है, लीफ के थोड़े ऊपर से आपको प्रूनिंग कर देनी है, तो ये प्लांट हेल्दी रहेगा। और जो फ्लावर भी आपका थोड़ा ख़राब हो रखा है या थोड़ा सूख जाता है, आप उसको, वो ये प्लांट खुद भी शेड कर लेता है, लेकिन आप उसको अलग कर दीजिए तो अच्छा रहता है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। इसमें सनलाइट कितना देना है फ्रेंड्स, तो सनलाइट आप इसको फुल सनलाइट में रखिए, जब इसके बड्स आने लग जाएं तो आप इसको फुल सनलाइट में रखिए। जितना ज़्यादा इसका सनलाइट मिलेगा उतना ज़्यादा इसके जो फ्लावर्स हैं वो हेल्दी ग्रो करेंगे, तो आप इसको फुल सनलाइट में रखिए, उसके लिए बहुत अच्छा रहता है। दोस्तों अगर आप इसको डिजीज़ से बचाना चाहते हैं कि इसमें किस तरीके का डिज़ीज़ है जिसकी वजह से आपका प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं कर पा रहा है, या इसमें बैक्टीरिया जो है बार बार अटैक कर रहे हैं, तो जो होम रेमेडी है इसका, जो आप घर में अच्छे से तैयार करके आप उसको कर सकते हैं, आप 1 टेबल स्पून से थोड़ा सा कम बेकिंग सोडा ले लीजिए, उसको 1 लीटर पानी में अच्छे से डिसॉल्व करके और उसका स्प्रे कीजिए। उससे आपकी जो प्लांट है वो बहुत हेल्दी रहेंगे और लीव्स में किसी तरीके का कोई फंगल, बैक्टीरियल या किसी तरीके का कोई भी डिजीज़ नहीं आएगा। तो आपको बेकिंग सोडा बहुत इजीली, आप इजीली अवेलेबल होता है हमारे घर में, तो वो आप यूज़ कीजिए, वो इस प्लांट को हर तरीके के डिजीज़ से बचा के रखता है। अब इसकी अगर फ्रेंड्स बात करूँ मैं कि हमें इसको प्रोपोगेट किस तरीके से करना है, तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने जिस स्टेम को हमने प्रूनिंग करी थी, ये काफ़ी लंबा स्टेम का हमने प्रूनिंग करा था, ब्रांच हमने काफ़ी लंबा ब्रांच इसको ले लिया था। सो इस तरीके से हमें नीचे के 2 लीव्स हटा देने हैं, और ये स्टेम कटिंग से बहुत ईजिली जो होता है फ्रेंड्स ये प्रोपोगेट हो जाता है। तो इस तरीके से आप ये एक, ये जो है ये नए प्लांट में ग्रो कर जाएगा। तो आप इसको ऐसे करके जो सॉइल है आप उसमें इसको दबा दीजिए, ये एक नया प्लांट जो है ये डेवलप कर जाएगा। मैंने ये प्लांट भी जो ग्रो किया था वो स्टेम कटिंग से ही किया था फ्रेंड्स, तो ये स्टेम कटिंग जो है आप इस तरीके से इस स्टेम को यहाँ पे लगा दें, स्टेम ब्रांच आप जो भी कह लीजिए एक ही चीज़ है, तो उसको लगा दें, उससे नया प्लांट ग्रो कर जाता है। इस प्लांट का प्राइस की बात करें फ्रेंड्स, तो ये प्लांट जो है आपको 40 to 50 में बहुत आराम से मिल जाएगा, बट ये प्लांट क्योंकि बहुत ईजिली स्टेम कटिंग से ग्रो हो जाता है, तो आप इसको स्टेम कटिंग से ही ग्रो कीजिए, वो इसके लिए सबसे अच्छा रहता है। आशा करती हूँ दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। अगर मेरी वीडियो में आपको कुछ अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें फ्रेंड्स। बाय, हैव अ गुड डे।